ये देखिए बच्चे दोनों कैसे खेल रहे हैं, और ये देखिए कैसे खड़े हैं, इंजॉय कर रहे हैं मोस्ट डेंजरस रोड के। और ये देखो हमारी मैगी बन रही है। स्पीति जाने वाला रूट है ये, काजा स्पीति। मैगी हवा तेज चल रही है तो गैस थोड़ा सा अच्छे से लग नहीं रही है उसमें। बहुत ही खतरनाक हुआ है कि गाड़ी खत्म हो गई है। ओफो वो देखो, वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड भाई। इस रोड पे सबसे ज़्यादा खतरनाक, वो देखो नीचे रिवर बहती हुई, बिल्कुल प्रॉपर काट के माउंटेन लटके पड़े हैं रोड पे। ये देखिए बच्चे दोनों कैसे खेल रहे हैं, ये देखिए कैसे खड़े हैं, इंजॉय कर रहे हैं मोस्ट डेंजरस रोड के। ये देखिए आप, ये सब देखो, व्यू को एंजॉय करो, फील करो उसे फील। चलो भाई निकलते हैं अब यहाँ से। दुनिया का वर्ल्ड हाईएस्ट मोस्ट डेंजरस रोड भाई, ऐसे ही नहीं बोलते इसे, वाकई बहुत खतरनाक रोड है। पूरे माउंटेन कट के भाई साहब लटके पड़े हैं, देख लो प्रॉपर खतरनाक है सच में नज़ारे। चलो भाई चलते हैं, नज़ारों को एंजॉय करते हुए। कृपया धीरे चलें। अब भाई कितना धीरे चलें, बहुत ही धीरे चल रहे हैं हम तो। जिसको जल्दी पड़ी है वो जल्दी जाए भाई, हमें तो धीरे धीरे जाऊंगा। देखो कितना बिल्कुल लटका ही पड़ा है सच में, है ना। कितनी मेहनत पड़ी होगी बीआरओ को ये कटिंग करके, एकदम बिल्कुल रोड निकाला, बिल्कुल रास्ता बनाया निकलने के लिए। भाई साहब ये बीआरओ ही कर सकता है, क्योंकि काफी दूर तक है, ये नहीं कि छोटा सा है, काफी दूर तक कटिंग हो रखी है इसकी सच में। भाई साहब इतना पतला है, एक बार में एक ही गाड़ी क्रॉस हो सकती है, दूसरी गाड़ी नहीं आ सकती है ना। यूं भी गजब वाला है एकदम, दूसरी गाड़ी रुकी जाएगी भाई, नंबर वाइज एक ही गाड़ी निकल सकती है, इतना पतला है, है ना, एक नंबर भी हुआ है। तो भाई अभी रुके हैं यहाँ करछम डैम, ये देखो 1000 मेगावाट, कहीं 3000 मेगावाट है, कहीं 1000 मेगावाट है, कुछ समझ नहीं आया मेरे को। चलो भाई मैंने कहा थोड़ा शॉट आपको दिखाया जाए, निकलते हैं। पूरी खत्म हो गई गाड़ी, है ना, चुप रहो, पूरी गाड़ी खत्म है, ऊपर से गिर के आई होगी, है ना रेनू। पता नहीं कैसे बनाए, बुस हो गई एकदम, एंडेवर है मेरे को लग रहा है, अभी गिरी है शायद ही। जय यार कांड हो गया यहाँ तो भाई, दिखाते हैं सच में, पूरी गाड़ी खत्म हो गई, कहाँ से गिरी है ये समझ नहीं आ रहा है ना। तो ये मेरे को लग रहा है आज ही आज में हुआ है ये एक्सीडेंट, बहुत ही खतरनाक हुआ है। वो या तो ये घुस गई है या ऊपर से तो कहीं से नहीं आ सकती, मेरे को लग रहा है घुस गई है ये। ये देखो पूरी गाड़ी खत्म हो गई है। ओफो भगवान करे जो भी बंदे हों सेफ हों, एयरबैग तो कोई खुले नहीं है इसके। चलो भाई निकलते हैं, मूड सा खराब हो रहा है। दुर्घटना घटी पे क्या बोलते हैं, हाँ नज़र हटी दुर्घटना घटी, वही वाला हिसाब है भाई। देखो हम यहाँ रुके हैं अकपा के पास रुके हैं, और यहाँ पे हम
मैगी बना रहे हैं, दिखाते हैं आपको। पू से 10 किलोमीटर पीछे, मतलब पू यहाँ से 10 किलोमीटर है अभी, है ना रेनू? हाँ 10 किलोमीटर है यहाँ से। पू क्रॉस हो गए? नहीं अभी तो क्रॉस नहीं हुए, अभी तो पू पड़ा है आगे। और ये देखो हमारी मैगी बन रही है। स्पीति जाने वाला रूट है ये, काजा स्पीति। मैगी हवा तेज चल रही है तो गैस थोड़ा सा अच्छे से लग नहीं रही है उसमें, फ्राई पैन में। तो भाई मैंने तो खा ली मैगी, अब ये लोग खा रहे, अब मैं निकलूं क्योंकि भाई मैंने गाड़ी चलानी है। का पुलिस चेक पोस्ट है यहाँ पे, एंट्री वगैरह हो रही है कि कितने लोग जा रहे हैं कितने नहीं, ये सब पूछताछ करते हैं, एंट्री करते हैं बस, और फिर आज यहाँ से आगे निकलेंगे। अभी हम पू में चल रहे हैं और अभी स्पीति यहाँ से पड़ा है 153 किलोमीटर, और अभी टाइम हो रहा है 5 बज गए। नाको पहुंचने वाले हैं, 13 किलोमीटर दूर है यहाँ से नाको, और टाइम भी शाम के 5:30 बज रहे हैं। तो स्पीति तो भाई काफी दूर है, तो स्पीति तो पहुंच नहीं पाएंगे, अभी मॉर्निंग में ही निकलेंगे। स्पीति यहाँ से 150 होगा, नहीं 140 होगा लमसम, है ना? हाँ 140 होगा, 135 या 140 ऐसा होगा। और भाई सुबह ही मॉर्निंग में निकलेंगे क्योंकि रास्ते तो आप देख ही सकते हो, बिल्कुल लैंडस्लाइड वाले एरिए हैं, पत्थर वत्थर कहीं से भी गिरते, तो रात में ड्राइव नहीं करनी है। और यहाँ का नज़ारा आप देखो, यहाँ बस घास भूस जमी है बस हल्की फुल्की, भाई पेड़ पौधे तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। मैंने आपसे कहा था ना पेड़ पौधे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, कोई हिसाब होगा, पेड़ पौधे बिल्कुल खत्म है। तो भाई साहब यहाँ रुके, ये सामने जो कैफे देख रहे हो ना, सोमंग ढाबा, तो भाई इसी पे रुके हैं। और यहाँ देखो दूर दूर तक तो कुछ होता नहीं है भाई, तो कुछ मोमोस वगैरह ऑर्डर किए हैं, तो भाई लेके आता है फिर खाते हैं फिर निकलते। रेनू जी कैसा लग रहा है बताओ ना, कुछ बोलो। टेस्टी अच्छा है। नहीं ये क्रीम रोल, ये तो टेस्टी, यहाँ कैसा लग रहा है आके? अच्छा लग रहा है, मौसम ठंडा है, मौसम तो भाई यहाँ का ठंडा है, टेम्परेचर भी यहाँ 8 डिग्री है अभी, नाको में है अभी हम, लेकिन स्पीति तो माइनस में है भाई, काजा 1 से 2 डिग्री है माइनस में। चलो फिर आने दो मोमो, फिर खा के फिर निकलते हैं भाई। भाई मोमोस आ गए, देख लो कैसे हैं, नाको के मोमोस अलग ही हैं, कुछ 10 पीस 10 मोमोस हैं। तो भाई गाड़ी यहीं सामने ही पार्क कर दी, ये देखो ये है कैफे, कुछ लोगों को पता भी होगा अगर यहाँ आए होंगे तो। चलो भाई खाते हैं फिर मिलते हैं। चलो खाते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं। अब हम आ गए हैं यहाँ पे नाको में, देख लीजिए होटल कैसा है हमारा, हमने आज स्टे किया है। बाकी रूम तो भाई काम चला हुआ है, क्या ही कर सकते, सारे यहाँ ऐसे ही है रूम, कई जगह हमने देखा रूम तो सारे ऐसे ही बना रखे पता नहीं क्यों। हाँ जो थी अच्छी सी बिल्डिंग है जहाँ अच्छे से रूम है वहाँ लॉक लगे हैं, वहाँ लॉक लगे पड़े हैं, ताले से लग रहे हैं वहाँ पे। तो भैया काफी टटोलने के बाद भाई हमें ऐसे ही मिला, अब इसी में रह लेंगे, क्या है रात ही तो काटनी है। और ये इसका वॉशरूम वो भी देसी सा है, गीजर वगैरह तो लगा है, बाकी यार ठंड है भाई, तो जैकेट वैकेट सबने पहन लिए, स्वेटर वेटर। तो भाई रेनू वो ब्लॉग को एंड तो कर दो, बोल दो कुछ। ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक
सब्सक्राइब कर देना, थोड़ी सी जवान लड़खड़ा रही है इनकी। मिलते हैं फिर मॉर्निंग में।